यूपी का सबसे बड़ा मुद्दा बना सुल्तानपुर का डॉक्टर हत्याकांड। सुर्खियों में हत्यारोपी अजय नारायण सिंह का भाजपा कनेक्शन। अखिलेश बोले मुख्यमंत्री जी कब चलेगा बुलडोजर। मुख्यमंत्री योगी संग हत्यारोपी के चाचा की तस्वीरों ने मचाया धमाल। सुल्तानपुर का डॉक्टर हत्याकांड उत्तर प्रदेश का सबसे चर्चित मुद्दा बन चुका है। हत्यारोपी अजय नारायण सिंह के परिवार की शासन सत्ता में धाक सुल्तानपुर से लखनऊ तक गूंज रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से परिवार का कनेक्शन चर्चा में है। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने तंज कसते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा है। सपा ने सवाल किया है, मुख्यमंत्री जी डॉक्टर की हत्या का आरोपी अजय नारायण सिंह आपके नेता का भतीजा है, उसकी संपत्तियों पर कब बुलडोजर चलेगा, पीड़ित परिवार को कब न्याय मिलेगा। दरअसल डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी हत्याकांड में अजय नारायण सिंह और दो अज्ञात व्यक्ति नामजद हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है, आखिर कौन है अजय नारायण सिंह, उसका भाजपा से क्या कनेक्शन है, आरएसएस से उसका क्या रिश्ता नाता है। आपको बता दें कि अजय नारायण सिंह भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गिरीश नारायण सिंह का भतीजा है। अजय नारायण सिंह के परिवार की ताकत का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी हत्यारोपी के चाचा की तस्वीरें सामने आई हैं। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े शख्स का नाम गिरीश नारायण उर्फ बब्बन सिंह है। गिरीश नारायण सिंह आरोपी अजय नारायण के सगे चाचा हैं। शासन सत्ता में जलवा है नारायण परिवार का। हत्या आरोपी अजय नारायण का भाई चंदन नारायण सिंह भाजपा युवा मोर्चा सुल्तानपुर का अध्यक्ष भी है। यूं कहे कि हत्या आरोपी का पूरा परिवार भाजपा और आरएसएस से जुड़ा है। तस्वीरें गवाह है सुल्तानपुर के नारायण परिवार की भाजपा और आरएसएस से रिश्तों की। तो ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है, आखिर डॉक्टर त्रिपाठी की निर्मम हत्या के आरोपी अजय नारायण सिंह पर योगी सरकार में कार्रवाई कितनी बड़ी होगी। हालांकि भाजपा के ही पूर्व विधायक देवमणि द्विवेदी ने ऐलान कर दिया है, भूमाफिया आरोपी मिट्टी में मिलेगा। वहीं सुल्तानपुर से ताल्लुक रखने वाले समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और बड़े ब्राह्मण नेता संतोष पांडे ने भी पीड़ित परिवार को भरोसा देते हुए न्याय दिलाने की हुकार भरी है। वहीं सुल्तानपुर की सदर सीट से भाजपा विधायक राजबाबू उपाध्याय भी मैदान में उतर चुके हैं। पीड़ित डॉक्टर परिवार से मुलाकात कर उन्होंने आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। फिलहाल अभी तक आरोपी अजय नारायण सिंह का कोई सुराग नहीं लगा है, पुलिस खाली हाथ है। अलबत्ता खुलासा हुआ है, मुख्य आरोपी अजय नारायण सिंह ने पहले डॉक्टर त्रिपाठी को बंधक बनाकर पीटा, जब हालात बिगड़ गई तो बैटरी रिक्शे पर लाद कर डॉक्टर को उसके घर पहुंचा दिया। फिलहाल सुल्तानपुर के पुलिस कप्तान सोमेन वर्मा क्विक एक्शन पर हैं। हत्यारोपी अजय नारायण की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। देखना यह होगा अजय नारायण पर कितनी बड़ी कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।